मुखिया जी वहाँ पर थे, वहाँ सामने बोला था जहाँ देखेंगे उसको नपाता कर देंगे। मुखिया जी वहाँ पर थे, वहाँ सामने बोला था जहाँ देखेंगे उसको नपाता कर देंगे। जब भाई के सामने, एक मुखिया के सामने, एक सरपंच के सामने जब खुलियाम अपराधी धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे उसको, अब मुखिया जी समझाते हैं कि आप उसको घर से हटा दीजिए, घर से बेघर करते हैं और इस मामला को नहीं समझाते हैं और बोलते हैं कि अपने बेटे को यहाँ से भगा दीजिए। ये कहा था मारना था, देखिए भाई है और ये बोल रहे हैं मारना था, तो कहीं ना कहीं दोनों को मारते ताकि आज उनका खेल ही खत्म हो गया होता, इस बिहार से प्रेम का नामो निशान उठ गया होता। भाई के दिल के अंदर क्या बीत रहा है, उस माँ के दिल के अंदर क्या बीत रहा है, उस पिता के अंदर क्या बीत रहा है ना, इस बात का मालूम करने के लिए, जायजा करने के लिए आप इस भाई को और उस पिता को, उस माँ को देख करके इसका अंदाजा आप लगा। सावन में लड़का लड़की का मैटर है, सावन में वो फोटो खिंचाया था, देखा था, लो हलचल किया था, लो पूरा हल्ला हुआ था, फिर पंचायत हुआ, पंचायत में बोला था लो कि जहाँ देखेंगे उसको नपाता कर। मैं बोल रही थी कि अगर आपका शादी हमसे नहीं होता है तो मैं मर जाऊंगी, तो आज वो जिंदा काहे के लिए है, अगर वो सच्ची प्रेमिका है ना तो अपना जान वो भी जिस तरह इनका जान गया है ना उस तरह वो भी अगर जान देती है, या वो अगर खुलियाम मीडिया के सामने आकर के जिस तरह ये बोल रहे हैं उस तरह अगर वो भी अगर आकर बोल सकती है तो बोल दे कि उनका भाई दोषी है, उनका बाप दोषी है और कहीं ना कहीं उसका भौजाई दोषी है इस केस के अंदर। अगर वो बोलती है ना तब हम मानेंगे कि वो सच्चा प्रेमी है और प्रेम करती थी। इस वक्त हम मौजूद हैं चंदन कुमार जो प्रेमी हैं जिनका मौत हुआ है उनके भाई के पास, जिन्होंने सबसे पहले अपने भाई का लाश देखा था वो भी अपने जामुन के पेड़ पर। क्या नाम होगा आपका? सुनील यादव। सुनील यादव जी, कब मालूम चला आपको इस बात का? 5 बजे शाम को मालूम चला। कब मालूम चला, किस मतलब जा रहे थे, जा रहे थे हम सर्च के लिए। अच्छा, नीचे जा रहे थे, देखे कि ब्लड गिरा है, तो फिर आगे बढ़ के देखे कि ऊपर टंगा हुआ है। हमको लगा कि उधर मुर्गी फार्म है तो मुर्गा उर्गा सियार लाया होगा। तो आगे फिर देखे कि पाँव को कुछ है ही नहीं है, ऐसे ब्लड कैसे है, फिर आगे बढ़ के देखे तो वो लटका हुआ है। तो सबसे पहले आपने किसको मतलब संदेश दिया? किसी बात पापा के बोले, पापा फिर बोले कि थाना को बुलाओ जल्दी। थाना पे हम फोन किए, प्रशासन आया। क्या बोला प्रशासन? फोन उनके लेके गया लो, फिर वहाँ से FIR हुआ, वहाँ से गए सिवान पोस्टमार्टम हुआ, तब आकर जलाए बुलाए। क्या लगता है इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सावन में लड़का लड़की का मैटर है, सावन में वो फोटो खिंचाया था, देखा था, लो हलचल किया था, लो पूरा हल्ला हुआ था, फिर पंचायत हुआ, पंचायत में बोला था लो कि जहाँ देखेंगे उसको नपाता कर देंगे। जिस पंचायत में मुखिया जी बैठे थे, जिस पंचायत में सरपंच बैठे थे, जिस पंचायत में पंच के लोग जो माने जाते हैं वो वैसे से बड़े बड़े लोग बैठे थे, उस पंच के सामने, उस मुखिया के सामने जब उसने बोला इस बात को, जब कानून अपने हाथ में लिया, तो वहाँ के लोग क्या बोले? वो लोग कुछ नहीं बोले, मुखिया जी भी दूसरा कुछ नहीं बोले, बोले कि उसको घर आने मन देना। अच्छा। मुंबई में था। ये कैसा मतलब न्याय है कि जब भाई के सामने, एक मुखिया के सामने, एक सरपंच के सामने जब खुलियाम अपराधी धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे उसको, अब मुखिया जी समझाते हैं कि आप उसको घर से हटा दीजिए, घर से बेघर करते हैं और इस मामला को नहीं समझाते हैं और बोलते हैं कि अपने बेटे को यहाँ से भगा दीजिए। ये कहाँ तक सही है? ये सरासर मुखिया का भी इसमें हाथ है, हम तो मानते हैं इस बात को। मुखिया जी दूसरा कुछ नहीं बोलते, ये बोलते थे कि आने मन देना घर पे, यही बोले थे। मतलब आने मत देना तब तक इस मामले को शांत किया जाए, यानी कि मुखिया जी ये कहना है कि अपने भाई को घर से हटा दीजिए ताकि इस मामले को कुछ दिन शांत रखा जाए, कि फिर से ऐसा मामला सामने ना आए। तो फिर अब जब घटना हो गया है तो मुखिया जी आए थे कि नहीं? यहाँ पर आए थे, जहाँ जलाए थे सब वहाँ पे आए थे। क्या बोले मुखिया जी आप लोगों से? हम लोग से थे, हम लोग अपने अथी में थे, तो क्या बात करें मुखिया जी। फिर भी क्या आशा लग सकता है कि मुखिया जी आपके तरफ से है या नहीं है? वो तो गाँव भर के हैं, मुखिया जी गांव के हैं, लेकिन उनके सामने पंचायत में जो उस लड़के ने जब बोला इस बात को कि मार देंगे, तो ये सुनते हुए भी जब मुखिया जी के सामने एक कांड आ गया सामने, तो क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी से अभी बात, अब वो अपराधी खोजेंगे तो ये सरासर गलती है, क्योंकि उनके सामने अपराधी ये बोला है। हाँ, उनके सामने ये बोला है और वो बोलेंगे कि इसका जांच किया जाता है, ये तो गलती है। मुखिया जी वहाँ पर थे, वहाँ सामने बोला था जहाँ देखेंगे उसको नपाता कर देंगे। मैं बता दूं इस मामले का ये संदेशा है कि यहाँ से सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो छोटू आरती और पंकज सोनी का जो कांड हुआ था ना, उससे भी एक अलग रास्ता की तरफ ले जा रहा है कांड, और कहीं ना कहीं भाई के सामने, जब भाई को पता है कि मेरा भाई बॉम्बे में काम कर रहा है, जब इनको पहली बार अपने भाई का लाश दिखा होगा, तो बताइए इनके दिल पर क्या गुजरा होगा। आज इस भाई का एक समझिए कि लाठी टूट गया है, अगर कहीं ना कहीं इनका सहारा थे, और बताइए प्रशासन से और सरकार से किस प्रकार से आदेश करना चाहते हैं आप? उसको पकड़े प्रशासन, उसको
अपने सजाए दें। यही क्या लगता है, मतलब आपके साथ मतलब पुलिस है कि नहीं है इस मामले को लेकर? है, पुलिस तो अभी प्रशासन आई थी छानबीन कर रही है। आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? हाँ मिलेगा, पक्का मिलेगा। किस प्रकार से बोल रहे हैं इस बात का? अभी कुछ देर पहले आपके मतलब दरवाजे पर पुलिस आई थी, क्या बोली उसने? बोले कि हम जा रहे हैं, अब इसीलिए आए थे वो। आज ये कांड हुए, 3 दिन हो गया 4 दिन हो गया, प्रशासन अभी आके बोल रहे कि अभी हम जा रहे हैं, ये कहां तक सही है? ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो बिहार की है ना व्यवस्था, ये भी पीछे जा रही है, यानी कि ध्वस्त हो रही है। और प्रशासन से और डीएम से और कहीं ना कहीं जिला अधिकारी और जो हमारे इस जिला के एसपी साहब है ना, उनसे मैं बोलना चाहता हूँ इस बात को, यहाँ से कि इस परिवार का यहाँ सहारा उड़ रहा है, कि इस भाई के दिल के अंदर क्या बीत रहा है, उस माँ के दिल के अंदर क्या बीत रहा है, उस पिता के अंदर क्या बीत रहा है ना, इस बात का मालूम करने के लिए, जायजा करने के लिए आप इस भाई को और उस पिता को, उस माँ को देख करके इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और कहीं ना कहीं मैं बोला चाहता हूँ, भोला यादव नाम था उसका, क्या नाम था उस लड़के का जो जिसने धमकी दिया था आपको? अशोक यादव उर्फ भोला, भोला यादव नाम था। उस भोला यादव को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए ताकि फिर से बिहार में ऐसे ऐसे हत्यारा वापस ना आए और सामने खड़े ना हो। क्योंकि बताइए, बिहार में हम लोग लगातार ऐसे न्यूज कवरेज कर रहे हैं कि लगातार प्रेमी का मौत हो रहा है। अगर उस लड़की को मैं बोलना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अगर वो प्यार करती है ना, जब बोल रही थी कि उनसे शादी नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी, तो आज उसका मरना जायज है। अगर वो प्यार करती है, सच्चा प्रेमी है ना, प्रेमिका है, तो आज अगर वो फांसी लगाकर मर जाती है, क्योंकि उसका जीना अब कोई अधिकार नहीं है, जीने कोई अधिकार ही नहीं, क्योंकि वो प्यार कर रही थी। तो जब वो जिंदा थी तो बोल रही थी कि अगर आपका शादी हमसे नहीं होता है तो मैं मर जाऊंगी, तो आज वो जिंदा काहे के लिए है? अगर वो सच्ची प्रेमिका है ना, तो अपना जान वो भी जिस तरह इनका जान गया है ना, उस तरह वो भी अगर जान देती है, या वो अगर खुलेआम मीडिया के सामने आकर के जिस तरह ये बोल रहे हैं, उस तरह अगर वो भी अगर आकर बोल सकती है तो बोल दे कि उनका भाई दोषी है, उनका बाप दोषी है, और कहीं ना कहीं उसका भौजाई दोषी है इस केस के अंदर। अगर वो बोलती है ना, तो हम मानेंगे कि वो सच्चा प्रेमी है और प्रेम करती थी। लेकिन आज वो सरासर दिख रहा है कि लड़की भाग गई है, या उसको भगाया गया है, या उसको भी मार दिया जाएगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। बताइए, लड़की क्या बोल रही थी इस मामले को लेकर के? लड़की से हमको बात नहीं हुआ है, आज तक बात नहीं हुआ है उससे, बात नहीं हुआ। मतलब आपको क्या लगता है कि इस मामले को लेकर के लड़की बुलाई थी या उसके घर वाले बुलाए थे? अब वो मुंबई में था तो हमको क्या मालूम कि कौन बुलाया था, हमको मालूम नहीं था कि कब वो आ रहा। मतलब इतना संदेश था कि आपका भाई उससे बात करता है। हाँ। एक साल पहले आपको मालूम चला था इस बात का? पिछला सावन में मालूम चला था, मतलब समझिए कि 2-4 महीने पहले आपको मालूम चला। हाँ, इस बात का। मगर वो बात करता था ज्यादा दिन से। हाँ। वो जब ज्यादा दिन से वो बात करता था, मगर हमको मालूम चला सावन से। पंचायती हुआ था मालूम चला। देखिए, इस भाई का दर्द क्या है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि इस भाई को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले। और उस प्रेमिका से मैं बोलना चाहता हूँ कि वो आ करके और मीडिया के सामने बोल दे कि मैं सच्चा प्यार करती हूँ उससे। और कहीं ना कहीं अब वो अगर बोलेगी कि मैं फांसी लाकर मर जा रही हूँ, तो इस बात का सब कोई मतलब आदेश करेगा कि हाँ अब मर सकती है, क्योंकि उसका जीने कोई अधिकार नहीं है। अगर वो जब प्रेम करती थी, जब जिंदा थे, तो ऐसा बात बोल दी, आज वो मर गए हैं तो आज काहे नहीं बोल रही है? उसका भी हाथ हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि लगातार प्रेमी का मौत हो रहा है इस बिहार में। प्रेमी प्रेमिका का मौत नहीं हो रहा है। बताइए, अगर मारना ही था तो दोनों को मार देते? दोनों को मारते हैं। एक को मार करके बहुत उन्होंने गलत काम किया है। गलत तो काम किया ही है। अगर उसकी बहन अगर प्यार करती थी। हाँ। अगर इनके मतलब जब आपके भाई को मारा, कहीं ना कहीं इनको छोड़कर अपने बहन को मार देता। हाँ। तो आज मामला होता नहीं होता, तो सरासर दोषी उनके परिवार वाले हैं। और मारना था, देखिए भाई है और ये बोल रहे हैं मारना था, तो कहीं ना कहीं दोनों को मारते ताकि आज उनका खेल ही खत्म हो गया होता, इस बिहार से प्रेम का नामो निशान उठ गया होता। और यही सच्चाई है बिहार का, कि केवल प्रेमी का मौत हो रहा है और प्रेमी घर वाले इस केस को झेल रहे हैं, इस दर्द को झेल रहे हैं। तो नमस्कार, देखते रहे आप लोग, आए की अपडेट क्या आती है। जय हिंद।